हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे साइड पफ हेयर स्टाइल विद ओपन हेयर्स। जब आप ओपन हेयर्स रखते हो तो आप सोच में पड़ जाते हो कि हमें कौन सी हेयर स्टाइल करनी चाहिए फ्रंट से। तो आज हम साइड पफ बनाएंगे और उसमें जो टेक्निक यूज़ होती है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इस तरीके से आप फ्रंट से बालों को उठा लेंगे और उनको आगे की साइड करके कॉम्बिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है एलोवेरा जेल लिया है पतंजलि वाला, और उनके साथ जो है थोड़ा सा इनको लगा के मैं क्रिम्पिंग करूँगी आगे के हेयर्स को। आप विदाउट क्रिम्पिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास क्रिम्पिंग मशीन नहीं है तो। आपको सिर्फ जो है जेल यूज़ करके आपके हेयर्स को कॉम्बिंग कर लेना। बस मेरे पास जो है क्रिम्पिंग मशीन थी तो मैं यहाँ पे क्रिम्पिंग कर रही हूँ, जिससे कि जो साइड पफ है वो अच्छे से बन के सामने आएगा। तो जो आगे हमने कॉम्बिंग की थी सिर्फ उन्हीं हेयर्स पर आपको करना है। और अगर आपके लॉन्ग हेयर्स हैं, लॉन्ग हेयर्स में जो है नीचे तक आपको क्रिम्पिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने क्रिम्पिंग कर ली है। आप उनको ऊपर तक लेके जाएंगे स्ट्रेट और फिर से कॉम्बिंग करेंगे। और आपको इस तरीके से बालों को पकड़ना है और दूसरे हाथ से इस तरीके से जैसे मैं फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ उनको नीचे लेके आना है, दूसरे हाथ से आपको सपोर्ट करते हुए। और दूसरे हाथ से आपको अपनी जो है चुटकी से इस तरीके से जो है नीचे खींचना है बालों को। आप जितना इसको नीचे लेना चाहें, आप जितना जो है पफ को फ्लैट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मैं अपनी चुटकी में खींच के बालों को बना रही हूँ, इसी तरीके से एडजस्ट आपको बनाना है। यहाँ पे मैं जो है पिन से इसको सेट कर लूँगी, और जहाँ पे मैंने पिंस लगाई हैं वहाँ पे आप ब्रोच वगैरह लगा देंगे। और इसमें मैंने वही जेल भर रखा है, फिर से मैं जेल अप्लाई कर दूँगी। तो आपके पास ज़रूरी नहीं कि महंगे से महंगा आपके पास स्प्रे हो तो ही आप ये हेयर स्टाइल बनाएंगे। हाँ, उससे जो है परफेक्टली जो दिखते हैं, अगर आपके पास जो है बड़ा कॉम्ब है तो वो यूज़ करके आप जो है इसको वो वाली शेप दे सकते हैं। तो कुछ वैसा बिल्कुल ना मिले तो हाँ, हम कुछ हद तक वैसा बना सकते हैं। तो ये उनके लिए हैं जो भाई इतना अफोर्डेबल हेयर स्टाइल ना करवा सकते हो। तो बहुत अच्छा लगता है साइड पफ। बस इसमें टेक्निक जो होती है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एक दो बार जब आप ऐसे बनाएंगे तो आपका परफेक्टली हेयर जो है साइड पफ बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा साइड पफ बन गया है। आप पीछे से कॉम्बिंग कर लेंगे बालों को, और आपको आराम से कॉम्बिंग करनी है ताकि जो आपका साइड में जो आपने बालों को टक किया है वो ना। तो इस तरीके से अगर आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लग रहा है तो आप खींच के फिर से कर सकते हैं। ये मैंने कुछ बाल निकाले हैं आगे, आप यहाँ से ज़्यादा बाल निकाल के भी इनको कर्ल कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से कर्ल करूँगी बालों को, क्योंकि इस साइड तो पफ है तो यहाँ पे ज़्यादा नीड नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़े से बाल निकाल के इनको कर्ल कर लिया था, क्योंकि दूसरी साइड हमें थोड़ा सा हैवी कर्लिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे तो जो है ओपन ही रहेंगे हमारे हेयर्स, बट आगे ये जो है आगे कर्ल हुए अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो नीचे से सभी बालों को कर्ल भी कर सकते हैं, बट वो बाउंस नहीं आ पाता। तो मैं जो है फ्रंट फ्रंट के हेयर्स को जो है कर्ल करूँगी। तो आप जो है किसी शादी में पार्टी में जो है ये वाली हेयर स्टाइल अपना सकते हैं, अगर आप बाहर पार्लर में जो है हाई रेट्स पे हेयर स्टाइल नहीं बनवाना चाहते हैं। तो आप अपने घर पे रह के इतनी अच्छी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये हेयर स्टाइल, और नेक्स्ट कौन सा हेयर स्टाइल आप मुझसे सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मैंने थोड़े से ज़्यादा बाल लिए हैं इस साइड, और इनको भी कर्ल कर लिया है। और अब जो है आप चाहें तो पीछे बन भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, बट यहाँ पे आज मैं ओपन हेयर्स रखूँगी। तो ये देखिए हेयर स्टाइल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आप मांग टीका इस तरीके से लगाएंगे। आप चाहें तो कोई नुकीली चीज़ लेके भी यहाँ से इसको पिरो सकते हैं, मैंने तो हाथ से ही कर लिया। तो ये हमारा जो है मांग टीका सेट हो गया है। यहाँ पे मैं कोई मेकअप नहीं कर रही हूँ, बस ओनली हेयर स्टाइल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि आफ्टर मांग टीका और ईयरिंग्स आपकी हेयर स्टाइल कैसी लगेगी। तो ये देखिए मुझे कमेंट करके बताइएगा हेयर स्टाइल आपको कैसी लगी। क्या आप और हेयर स्टाइल सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिज़ाइंस और हेयर स्टाइल्स के साथ।